अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। जी तो दोस्तों, आज मैं यहाँ शलजम और गोश्त बनाने जा रही हूँ। तो शलजम और गोश्त बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो शलजम है जी। ये देखिए, 1 किलो शलजम थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, मोटे मोटे क्यूब्स में काट के इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और गोश्त मैंने यहाँ मीट लिया है, मटन का लिया है मैंने यहाँ, तो तकरीबन आधा किलो मेरे पास जो है मटन है। तो उसके अलावा एक अदद प्याज है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज का मेरे पास टमाटर है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। थोड़ी सी 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची हैं जो मैं इसमें साबुत यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। इसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लिया है। और मसाले मेरे पास है, सूर्ख मिर्च पाउडर है, करी पाउडर है, और इसके अलावा ज़ीरा मेरे पास है, और धनिया है जिसको मैंने ये देखिए मोटा मोटा पीस के रख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चूल्हा चलाएंगे और ऑयल गर्म करेंगे जी। तो फ्रेंड्स, ऑयल देखिए मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जो मेरे पास एक अदर कटी हुई प्याज है वो मैं डाल दूँगी। प्याज को डालने के बाद बस मैं इसे इतना ही फ्राई करूँगी कि बस इसको हल्का सा सौते करूँगी कि इसका कलर जो है पिंकिश हो जाए, आप गुलाबी कलर कह सकते हैं। बस इतना ही मैं इसे भूनूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है, हल्का गुलाबी हो चुका है। तो अब मैं मेरे पास ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डाल दूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी बस मैं गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनूंगी, क्योंकि ये कि अदरक लहसुन की जो एक्स्ट्रा स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ मैं साथ साथ शाम की चाय पी रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं आप मुझे बताइएगा, जो आप लोग शाम को चाय पीते हैं। मैं तो अगर शाम के वक्त चाय नहीं पीऊँ तो पता नहीं क्यों मेरे सर में अजीब सा दर्द शुरू हो जाता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कितने लोग हैं जो शाम के वक्त लाजमी चाय पीते हैं। अच्छा जी, तो ये देखिए हमारा अदरक और लहसुन बिल्कुल भून चुका है। तो अब मैं इसमें जो है टमाटर है मेरे पास, एक अदर बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है, अब उसको डाल दूँ। उसको डालने के बाद अब मैं इसको भी इतना पकाऊंगी कि टमाटर हमारे जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा जी, टमाटर को हमने अच्छी तरह से गला लिया है। तो अब हमारे पास ये जो मीट है हम वो इसमें डाल देंगे। हाँ
मटन को भी हम बस 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि इसका जो कलर चेंज हो जाए। जी तो मटन को हमने 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम इस सारे मसाले डालेंगे। मेरे पास ये करी पाउडर है वो डालूंगी, 1 टेबलस्पून मैंने वो डाल दिया। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून वो मैंने डाल दी है। साबुत गरम मसाला जिसको मैंने पीस लिया था 1 चम्मच आपने वो डाल देना है। और नमक इसमें मैं हल्के जायका ही यूज़ करूँगी। इसके अलावा जी हल्दी है आपने आपने 1/2 टीस्पून के करीब डालनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इससे सालन का जो कलर है वो बिल्कुल पीला पीला सा हो जाता है। अब जी मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटरों को बिल्कुल ज़्यादा गलाया नहीं था, तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने मटन डालने के बाद उसे 2 से 3 मिनट के लिए भुना है, तो भुनाई के बाद आप देख रहे हैं कि टमाटर जो अच्छी तरह से इसमें घुल चुके हैं। टमाटरों के साथ जो सब्ज़ मिर्चें थी साबुत वो भी मैंने डाल दी थी। मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, चम्मच आप चलाते रहें ताकि जो आपके मसाले हैं वो जले नहीं। अच्छा जी मसाले हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से भून गए हैं, ऑयल आप देख सकते हैं किनारों पे आ चुका है। अब मेरे पास 2 ग्लास के करीब पानी है और मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच पे कम से कम 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख लूँगी, क्योंकि ये मटन है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए मैं इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाऊंगी। अच्छा जी ये देखें गोश्त मेरा जो है बिल्कुल गल चुका है, ठीक है। पानी भी जो हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। तो अब हम इसमें जो मेरे पास उबले हुए शलजम है मैं वो डाल दूंगी। मुझे क्यों बारे? बता। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जो है कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा वो मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी मेरे पास कसूरी मेथी है मैं वो डालूँगी। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा जी ये देखिए 5 मिनट पकने के बाद हमारी जो है शलजम और गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और मैं इसे डिश आउट करूँगी।
बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हम इसे धनिया के साथ गार्निश कर देंगे, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, मेरे शलजम और गोश्त बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।